गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, हेलो, हाउ आर यू। सो मेरा पहला यूट्यूब वीडियो, और मेरी वाइफ बहुत टाइम से मेरे पीछे पड़ी थी कि तुम यूट्यूब चैनल क्यों नहीं। एक सब्जेक्ट मिला, मुझे लगा ये पहल करनी चाहिए। सो हम अपनी लाइफ टाइम में एक ऐसी महामारी को देख रहे हैं होता हुआ, जो कि शायद हमने अपनी लाइफ टाइम में सोचा नहीं था कि कभी ऐसा कुछ होगा। करते 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 कोरोना चला गया, पहले धीरे धीरे कम होने लगे नंबर्स, फिर लोगों के दिमाग से भी चला गया। और आज की रेट में हालत यह है कि बाहर आप देखो तो आधे लोग तो मास्क ही नहीं लगाते हैं, और जो लगाते हैं वो भी नाक से नीचे लगाते हैं, और वो भी ऐसे लगाते हैं कि कोई देख ना ले, कोई टोक ना दे। और सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे तो खैर अभी दिवाली थी, उससे पहले दुर्गा पूजा थी, उससे पहले कुछ और था, अभी न्यू ईयर आने वाला है, तो आई थिंक सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ी हुई है। सो एनीवेज, थोड़े दिन पहले गया था और ऑफिस, जब मैं गया तो उस दिन पता नहीं क्यों अजीब सी थकान महसूस हो रही थी, अजीब सी बुखार सा लग रहा था, बदन में ऐसा लग रहा था कि टूट सा रहा है। जनरली मुझे ऐसा होता नहीं, मैं काफी हाई एनर्जी रहता हूँ ऑफिस में, मगर उस दिन ऐसा लग रहा था कि नहीं, कुछ तो एनर्जी बहुत लो है। और जब वो एनर्जी बहुत लो फील हो रही थी, तो मुझे लगा कि यार आज काम नहीं हो पाएगा, घर चला जाए, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू व्हाट आई एम डूइंग इन द ऑफिस, सो इट्स बेटर टू गो होम एंड टेक रेस्ट। सो उस दिन मैं घर आया, और उसके बाद बुखार बहुत तेज 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 बढ़ने लगा, और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कोरोना होगा। मगर जब टेस्ट करवाया, बहुत सारे टेस्ट करवाए मैंने, मलेरिया का कराया, टाइफाइड का कराया, चिकनगुनिया का कराया, हर टेस्ट करवा दिया। मुझे लग रहा था कि कोई टेस्ट शायद पॉजिटिव आ जाए, मगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो फेज वन फेज टू में सारे टाइम बाहर ही काम करता रहा, तो अभी तक कोरोना नहीं हुआ था, अभी कहां से कोरोना हो जाएगा। सो आई वॉज वेरी वेरी मेंटली एट पीस कि कोरोना बन सकता। मगर जब रिपोर्ट्स आई तो सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई, सिर्फ एक आरटीपीसीआर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो भाइयों, फिर आखिरकार इस इतिहास में इतने बड़े इवेंट में, जो कि गुजर रहा था और काफी कम हो गया था, उसमें हमने भी अपना नाम दर्ज करवा दिया। और इतना नहीं, बल्कि बुखार आया तो फिर जबरदस्त आया, और पहले तो सब बोलते थे कि जी ओ पॉजिटिव को नहीं हो सकता, मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, आपको जब फेज वन फेज टू में नहीं हो तो फेज थ्री में नहीं हो सकता, आपको दो वैक्सीन लग चुकी हैं, आप नहीं हो सकता। बट मुझे दो वैक्सीन भी लग गई थी, फेज वन फेज टू भी निकल गया था, ओ पॉजिटिव भी मेरा ब्लड ग्रुप है, मैं वैसे भी बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, पर फिर भी हो गया। मतलब 101 से लेकर के 104 के बीच में बुखार रहता था, 104 बुखार भी 101 तब आता था जब आप पैरासिटामोल 650 लेते थे, और सिर्फ 3 से 4 घंटे लिया था। तो बहुत बुरी तरह से उसने हालत खराब हो रही थी, 2 दिन हो गए लगातार बुखार में, और तब जाके मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, और डॉक्टर ने बोला कि भैया जिस तरह से आपको इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो रहा है और बुखार आपको नहीं टूट रहा है, एक अच्छी चीज नहीं है, आप फटाफट से आइए और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। और मेरे घर वाले, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो और मित्र थे, उन्होंने बोला नहीं कहा हॉस्पिटल नहीं जाने का, हॉस्पिटल जाओगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, सब घर में ठीक होते तुम भी घर में ठीक हो जाओगे। मैंने कहा यार कोई जाने में बुराई नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि मतलब फायदा नहीं होगा शायद, नुकसान तो नहीं होगा, तो मैं हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट हो गया। अब हॉस्पिटल में जाके जब मैं एडमिट हुआ तो वहां जाके और दुविधा पड़ गई, क्योंकि जाते ही पहले डॉक्टर ने बोला कि अच्छा जी आपका तो day 3 या day 4 चल रहा है इन्फेक्शन का, ये बेस्ट डे है, अब आपको ऐसा करना चाहिए, थोड़ा टाइम पहले कुछ महीने पहले एक दवाई आई थी जिसका नाम है रोना प्रीवी, जिसको कॉकटेल इंजेक्शन भी बोलते हैं, तो उन्होंने बोला वो एक कॉकटेल इंजेक्शन है, वो आप लगवा लीजिए, तो आपके जो है यहीं पे जर्म्स जो है वो किल हो जाएंगे काफी हद तक, और कोरोना जहां पे है वहीं पे ही रुक जाएगा, वो अपने आप को ज्यादा मजबूत नहीं बना पाएगा, वहीं पे रुक जाएगा, और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट चालू करते हैं आगे। तो मुझे लगा यार के बात तो सही है, उन्होंने थोड़ा सा महंगा, हमने सोचा यार देखो रेमडेसिविर था, कुछ 6-7 हज़ार का इंजेक्शन था, तो शायद ये कुछ नया है, ये भी कुछ हो सकता है 5-6 हज़ार का इंजेक्शन हो, तो हमने बोला ठीक है लगवा लेंगे इंजेक्शन, कोई बात नहीं, आप फॉर्मेलिटीज कीजिए। और फिर जैसे इंजेक्शन लगवाने की बारी, उन्होंने बोला जी देखो ये नया नया इंजेक्शन आया, 6 महीने हुए हैं इसको, तो इसको लगाने के लिए ICU सुपरविजन में जाना पड़ेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं, चलो पड़ते हैं, कोई टेंशन नहीं है, हमें डर तो था नहीं कि, हमने कहा चलो इंजेक्शन लगवा लेंगे। और फिर जब उसने बताया इसके बारे में, उसकी कीमत के बारे में, थोड़े से होश उड़ गए मेरे। उसने बोला देखिए ये इंजेक्शन 1,20,000 का है, जी आपने ठीक सुना, 1,20,000 का है, और इसको लगाना आपको ICU में पड़ेगा सुपरविजन में, कॉकटेल इंजेक्शन है। पहले तो मुझे लगा कॉकटेल इंजेक्शन है, कॉकटेल क्या है, मतलब कॉकटेल इंजेक्शन का नाम तो नहीं होता, फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मैंने देखा इंजेक्शन तो है, इफेक्टिवनेस तो इसकी है। फिर उन्होंने बोला ऐसा है जी देखो एक वायल में वैसे तो 2 इंजेक्शन आते हैं, मगर क्योंकि आप अकेले ही हो अभी, तो आप ही को लगेगा, दूसरा तो वेस्ट हो जाएगा, तो 1,20,000 आपको चुकाने पड़ेंगे। फिर हमने सोचा, फिर
जैसे कि हमारे सारे फैमिली मेंबर्स दोस्त लोग सब बोल ही रहे थे कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगा कि शायद नहीं करना चाहिए। तो मगर उतने में ही डॉक्टर का दोबारा फोन आया, उन्होंने बोला अरे आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, हॉस्पिटल में एक और मरीज आ गया जिसको ये इंजेक्शन लेने के तैयार हो गया है, तो कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी 60,000 रुपए की है, तो आप लगवा लीजिए और आपका बुखार जो है बहुत ऊपर चल रहा है, टूट नहीं रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, आप इसको लगा लेंगे तो फट से आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे लगा यार कोई बात नहीं, हेल्थ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, मैं अपनी फैमिली का एक इंपॉर्टेंट अर्निंग मेंबर हूँ और अभी वैसे ही बहुत हालत ख़राब हो रखी है, हमने कहा चलो लगवा लें। तो फिर हमने वो इंजेक्शन लगवा लिया, कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगाए और रेमडेसिविर के भी एक दो इंजेक्शन लगाए, फिर रेमडेसिविर उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी, बोला उसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ फेबीफ्लू नाम की एक दवाई है उसको आप कंटिन्यू कीजिए। तो फिर मैंने दवाई कंटिन्यू की, मैं घर में आ गया और थोड़ा थोड़ा रिकवर करने के बाद आज मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो आज 22 तारीख को या 23 तारीख को मुझे कोरोना हुआ था और आज है 2 तारीख, तो आज मैं कुछ अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो हालांकि आज मैंने टेस्ट करवाया दोबारा से अभी भी पॉजिटिव है, मगर मेरे कारण मैं करियर बना और मेरे कारण मेरी फैमिली को भी कोरोना हो गया, तो अभी वो लोग भी रिकवर कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा, पहली बात कुछ चीजें जो कि कोरोना से रिलेटेड बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि आप इस बीमारी को हल्के में मत लो। आप सोच रहे हो कि भैया कोरोना चला गया है, अभी दुनिया में तो पूरे 6,000 केसेस ही आ रहे हैं पूरे इंडिया में, और 7,000 आ रहे हैं, कभी 6,000 आ रहे हैं, कभी 8,000 आ रहे हैं, एक जमाना था जब 5-5, 6-6 लाख केस आते थे एक दिन के, आज 5-6,000 आ रहे हैं, तो इसका मतलब चला गया। तो भाइयों आपके लिए वो 6,000 केस क्यों मायने रखते हैं बताइए, पूरे इंडिया में 6 लाख आते थे, अब 6,000 आ रहे हैं, कम हो गए, चलो इंडिया के लिए तो बात ठीक है। आपके परिवार में तो पहले एक भी नहीं आता था, अगर एक भी आ गया तो आपके परिवार में तो 100% आ गया ना, फिर मतलब आप क्या सोच रहे हो। अब मैं फेज 1 फेज 2 में कुछ नहीं हुआ तो हम तो एकदम 0% केसेस थे घर में हमारे, और अब हम सबको आगे तो 100% हो गया, तो हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है कि 6,000 आ रहे हैं 8,000 आ रहे हैं, हमारे घर की तो प्रॉब्लम होगी ना, अभी तो हम क्वारंटाइन में हैं, सब एकदम चीजें अस्त व्यस्त हो रखी हैं। अगर आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिसको नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको बाय चांस हो गया तो आप अपना दिमाग ज्यादा ना लगाएं, बुद्धि मत लगाएं ज्यादा, आप देखें कि डॉक्टर क्या बोल रहा है, डॉक्टर की सलाह लें तुरंत, और इससे पहले कि कोरोना बढ़े आप जो जो डॉक्टर बोल रहा है वैसे वैसे करते जाएं, क्योंकि सलाह देने वाले बहुत हैं मगर शायद उसने MBBS MD जो भी डिग्री उसने की है, काफी पढ़ लिख के बड़ा हुआ है वो, उसने एक्सपीरियंस लिया है, उसके एक्सपीरियंस की थोड़ी सी रिस्पेक्ट, हो सकता है कि हमें भी कुछ चीजें पता चल गई हो, हमारे जो एक एनसाइक्लोपीडिया है हमारा यूट्यूब या हमारे कुछ दोस्तों के जरिए, मगर फिर भी डॉक्टर शायद ज्यादा अपडेटेड है, तो उसकी बात मानिए। नंबर 2, नंबर 3, आपको डॉक्टर कुछ दवाई देगा, आप जब तक तो आपकी हालत खराब होगी, बीमार होगी, तब तक तो आप दवाई खाते रहोगे, खटखट आप खाते रहोगे, मगर जैसे ही आप थोड़े ठीक होने शुरू हो लापरवाही शुरू, तो आई थिंक जो भी दवाई है चाहे वो 14 दिन की है चाहे 12 दिन की है उसको पूरी खाइए, ठीक है। तीसरी बात, आप ये देखिए मैं आपको एक मशीन दिखाता हूँ, ये एक मशीन है जिसे कहते हैं स्टीमर, इससे दिन में 2-3 बार स्टीम लीजिए, क्योंकि इससे क्या चेस्ट में कंजेशन हो जाती है, लीवर थोड़ा सा जाम हो जाता है, तो स्टीम से लंबी लंबी सांस लेके या फिर मुंह से भी और नाक से भी सांस ले लेकर के कम से कम 5-5 मिनट के लिए दिन में 3-4 बार तक स्टीम कम से कम लें, बहुत ज्यादा भी मत लें पर 3-4 बार सफिशियंट है। उसके अलावा एक इसे कहते हैं स्पायरो बॉल, तो इससे क्या है आपकी लंग्स की एक्सरसाइज होती है, आप इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट बाहर खरीद सकते हैं स्पायरो बॉल, इससे आपके लंग्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। इसमें आपको क्या करना होता है, अपनी हवा को अंदर की तरफ सक करना होता है, अपने अंदर की तरफ सक करना होता है, और ये वाली जो येलो बॉल है ये बीच में रहनी चाहिए, ज्यादा ऊपर भी नहीं जानी चाहिए कि झटके से बहुत तेज आपने खींच दिया जैसे कि आपने यूं खींच दिया, नहीं ये बॉल ऊपर नहीं जानी चाहिए, बीच में रहनी चाहिए, आपको एक कंट्रोल्ड वे में खींचना है, मगर ये जो व्हाइट वाला जो ये मेजरमेंट है ये जितना ऊपर जाएगा इसका मतलब लंग्स आपके उतने अच्छे हैं। तो अभी जैसे मैं आपको करके बताता हूं, अब देखिए येलो बॉल बीच में है और ये ऊपर तक जा रहा है, तो इसका मतलब लंग्स ठीक कंडीशन में है। तो ये एक्सरसाइज को आप कम से कम दिन में 6-7 बार करें और इसको बार बार करें, और कम से कम जब एक बार आप कर रहे हैं तो 20-25 बार इनहेल एक्सहेल करें, और उसके अलावा अगर आप चाहें तो धीरे धीरे
अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं धीरे धीरे, बहुत झटके मार के मत करें, बहुत धीरे धीरे प्यार से करें। और अब अपनी छाती के बाहर बिस्तर में लेट भी जाएं आधे आधे घंटे के लिए दिन में 2 से 3 बार। तो स्टीम लेनी बहुत जरूरी है, लंग्स की एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है, आपको गागल्स करने बहुत जरूरी है, थोड़े गुनगुने पानी से गागल्स करते रहें। और उसके अलावा काढ़ा अगर आप पीना भी है तो काढ़ा पीजिए, जरूर पीजिए, और ठंड है तो खास करके पीजिए, मगर उसको भी आई थिंक दिन में 1 या 2 बार पीजिए काढ़े को। उसके अलावा मल्टीविटामिन्स, आपकी जो इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयां हैं जो भी डॉक्टर ने रिकमेंड की है, और जो प्रोटीन्स आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किए हैं वो जरूर लीजिए, बिकॉज वो आपकी रिकवरी को काफी फास्ट बना देते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस तरह से डॉक्टर ने आपको बोला है कि दोबारा से टेस्ट कराएं तो जरूर कराएं। और आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप पूरी तरह से भी ठीक हो जाएं, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट जो है ना बहुत लॉन्ग टर्म चलते हैं। कई लोगों को मैं आज तक दे रहा हूं जिनकी खांसी भी चल रही है, जिनको कंजेशन चल रही है, जिनको स्मेल की प्रॉब्लम है। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि आप इस बीमारी को ठीक ढंग से ठीक करें। 14 दिन 15 दिन अगर आराम है तो आराम करें, रेस्ट है तो रेस्ट करें, जो जो प्रिकॉशन बोली है उसको उस तरह से ले जाएं, और आगे जाकर के भी लापरवाही ना बरतें। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा, और जब आपको दोबारा रिएक्ट कर होता है तो आपकी बॉडी ऑलरेडी कमजोर होती है, उसमें दोबारा से रिएक्ट करोगा तो और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू कोरोना, यू गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू योर बॉडी, यू गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू व्हाट डॉक्टर सेज। मैं भी जब हॉस्पिटल में था, जब मुझे डॉक्टर ने बताया कि इतना महंगा इंजेक्शन है, ये ट्रीटमेंट्स है, मुझे भी बहुत लोगों ने बोला कि यार तुम फालतू में एडमिट हो गए, मगर आज मैं काफी जल्दी रिकवर हो गया हूँ। हफ्ते के अंदर अंदर मैं काफी रिकवर, आज आप देख पा रहे होंगे कि मेरी एनर्जी लेवल्स पहले से काफी अच्छे हैं, बीच में बहुत डाउन हो गए थे। तो हो सकता था कि अगर मैं उसकी रिकमेंडेशन नहीं मानता तो मुझे 15 दिन लग जाते, 20 दिन लग जाते। और आज भी जब मैं ठीक फील कर रहा हूँ तब भी दवाइयां मैं टाइम पे खा रहा हूँ, तब भी मैं स्पायरो बॉल एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तब भी मैं गागल्स कर रहा हूँ, तब भी मैं स्टीम ले रहा हूँ, तब भी मैं हर चीज वो कर रहा हूँ जो डॉक्टर ने मुझे बोली है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी हेल्थ सिर्फ मेरे लिए आज जरूरी नहीं है, हमेशा के लिए जरूरी है। और जितना जागरूक आप बनेंगे, जितना आप अपना ख्याल खुद रखेंगे, उतना ही जल्दी आप ठीक होंगे। ठीक है, तो आप सब इस अभियान में मेरे साथ आएं और कोरोना को मार भगाएं। प्रिकॉशंस रखना बहुत जरूरी है, अपने आप को सही करना बहुत जरूरी है, और कुछ दवाइयां महंगी होती हैं मगर शायद आपकी जान उससे कहीं ज्यादा कीमती है। तो दोस्तों, मैं यही दुआ करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, आप सब हेल्दी रहें, आप सबको कभी भी कोरोना या कोरोना जैसी कोई बीमारी ना हो, बस प्रिकॉशंस लेते रहें। ठीक है, सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, विशिंग यू हेल्थ, विशिंग यू हैप्पीनेस, एंड विशिंग यू अ ग्रेट 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 लास्ट मंथ ऑफ द ईयर 2021। थैंक यू, बाय बाय।